नमस्कार। बुधवार 8 मई को खबर आई थी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर ने बिना बताए सामूहिक छुट्टी ले ली। अब खबर आ रही है कि टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने उन कर्मचारियों को निकाल दिया है। अभी तक लगभग 30 वरिष्ठ कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दिया जा चुका है। गुरुवार 9 मई को भेजे गए ईमेल में एयरलाइन ने लिखा है कि क्रू मेंबर के इस कदम से साफ पता चलता है कि उन्होंने बिना किसी उचित वजह के छुट्टी ली। सामूहिक छुट्टी न केवल कानूनों का उल्लंघन है बल्कि उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमों का भी उल्लंघन किया है। दरअसल अचानक 100 से अधिक क्रू मेंबर के सिक लीव पर चले जाने कारण एयरलाइन को पिछले 2 दिनों में अपने 90 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आज भी एयर इंडिया ने अपने 74 उड़ानें रद्द की। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर केबिन क्रू सदस्य ने अपनी मांगों को लेकर एक तरह से हड़ताल कर दी है। एयर इंडिया ने 13 मई तक उड़ान सेवाओं में कटौती की घोषणा की है, जिसके कारण मंगलवार रात से 100 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे लगभग 15,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन के सीईओ आलोक सिंह ने कहा, पूरे नेटवर्क पर असर पड़ा है, जिससे हमें अगले कुछ दिनों में शेड्यूल में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया है और इस संबंध में एयरलाइन कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने एयरलाइन से मुद्दे को तुरंत हल करने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्रियों को DGCA के मानदंड के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाए। अगर आप भी उड़ान भरने वाले हैं तो उससे पहले शेड्यूल जरूर चेक कर लें और इसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।